कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी जगह जगह विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इसी बीच मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी की सरकार को घेर रही हैं। साथ ही टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिससे बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। दरअसल इस वीडियो में एक लड़की स्टेज पर डांस करती दिखती है और इस स्टेज पर कोलकाता रेप और मर्डर केस के खिलाफ पोस्टर्स भी लगे दिखते हैं। कहा जाने लगा कि ये वीडियो केस के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान का है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि ये वीडियो बीजेपी के आयोजित विरोध प्रदर्शन का है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर इस विरोध प्रदर्शन को हल्का करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने इस वीडियो से कोई संबंध होने से इनकार किया। उन्होंने इसे तृणमूल का प्रोपेगेंडा करार दिया, जो ममता बनर्जी के खिलाफ जनता के विरोध को कमजोर करने के लिए किया गया। इस वीडियो को टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ये वीडियो बंगाल में बीजेपी के आयोजित विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। उन्होंने कहा, ये बीजेपी की महिलाओं का सम्मान करने की सोच है। साकेत गोखले ने अपने एक्स हैंडल पर आगे लिखा कि बीजेपी ने राजनीतिक एजेंडे के लिए विरोध प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया है, जबकि पीड़िता या किसी भी महिला के लिए कोई फिक्र नहीं है। वहीं बीजेपी नेताओं ने पार्टी पर लग रहे इन आरोपों को खारिज किया है। अब ऑल्ट न्यूज ने एक न्यूज आर्टिकल में इस वीडियो का सच बताया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक गांव के मेले का है। इसका एक पोस्टर भी सामने आया है। इसमें लिखा है, जय मां मानसा गंगा नदी के किनारे मां मानसा और बेहुला लखिंदर मेला, तारीख 31 श्रावण से 5 दिनों तक, स्थान 4 ब्रह्मनगर सेवक समिति ग्राउंड और गंगा नदी का किनारा, ऑर्गेनाइज बाई सेवक समिति। आर्टिकल में साफ कहा गया है कि ये वीडियो गांव के एक मेले का है, ना कि बीजेपी द्वारा आयोजित किसी प्रोटेस्ट का। इधर कोलकाता में आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुई घटना को लेकर अब भी प्रदर्शनों का दौर जारी। प्रदर्शनकारी ममता सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। 9 अगस्त को जिस तरीके से एक डॉक्टर का खून और रेप का घटना घटा और जिस तरीके से इस पश्चिम बंगाल का सरकार पहले दिन से अपराधियों के साथ बलात्कारियों के साथ खड़े है और जो लोग आंदोलन में हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके घर वो पुलिस भेज रहे हैं। आज हम लाल बाजार आए क्योंकि हमारे जो लीडरशिप है 6 ऐसे लोग उनके पास समन भेजा गया था। उनको बोला गया कि आप आइए और हमारे साथ बात करिए। हम बस ये बताने आए पुलिस को कि ऐसा मत सोचिए कि वो 6 लोग अकेले हैं। जितने लोग यहाँ पे आज आए हैं वो सारे लोग उसके साथ खड़े हैं। पूरे पश्चिम बंगाल के लोग उनके साथ खड़े हैं। जो ईस्ट बंगाल मोहन बगान मोहम्मदन के सपोर्टर है जिनके खिलाफ भी पुलिसी कार्यवाही चल रहा है, हम सारे लोग इकट्ठे हैं। हमको न्याय चाहिए। जो लोग बलात्कारियों के साथ है उस सरकार के खिलाफ हमें न्याय चाहिए। जब तक वो न्याय नहीं मिलेगा हम सड़क पे रहेंगे। आजीकर वाला जब तक जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सारे लोगों को सजा नहीं मिलता तब तक हम लोग सड़क पे रहेंगे। और ये बात सिर्फ जो लोग ये क्राइम किया है उनकी ये बात नहीं है। जो लोग पहले दिन से उनके साथ खड़े हैं, उनको शील्ड कर रहे हैं, उनको बचा कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बात है। जो पहले दिन ये बोला गया जिनकी साथ ये रेप का घटना हुआ कि ये रेप नहीं है, वो लड़की ने खुदकुशी किया है, तो अगर सरकार ये कह रहा है कि वो खुदकुशी है इसके मतलब वो किसी को बचाना चाहते हैं। हमारा बात साफ है, हम बलात्कारियों के खिलाफ है, न्याय के साथ है। सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, सारे जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ में है। जो आम लोग हैं, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिनका कोई ताल्लुकात नहीं है वो भी हमारे साथ है। हम इस पश्चिम बंगाल के नागरिक के हिसाब से सड़क पे उतरे हैं। बहुत दिन हो गया, 14 दिन हो गया, अभी तक जस्टिस नहीं मिला है हम लोगों को, इसलिए हम लोग आज रास्ते पे आए हैं। इतना लोग आए हैं, जितना जल्दी हो सके जस्टिस हम लोगों को चाहिए, लेकिन हम वुमेन की सेफ्टी चाहिए। बस एक ही बात कहना चाहेंगे, जस्टिस चाहिए। अभी वो नहीं मिलेगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सबको पता है। उसकी मांग के लिए ही रैली चल रही है। जस्टिस तो डिले होना ही चाहिए ही नहीं, ये हो रहा है इसलिए तो रैली कर रहे हैं। देखिए हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी के एलमनी है। इधर हम लोग आज जो ये मिचिल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसका मतलब है आरजी कौर में जो हत्या हुआ है, जो धर्षण हुआ है उसके खिलाफ में हम सभी हैं। और ये लड़ाई रुकेगा नहीं, ये लड़ाई चलेगा तब तक जब तक जो असली दोषी है उसको सजा नहीं मिलती। हम लोग चाहते हैं वी वांट जस्टिस एंड प्योर जस्टिस।
बात यह है कि इधर का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिन के दिन बिगड़ते जा रहा है और हम लोग देख रहे हैं उसके अगेंस्ट में सरकार कुछ नहीं कर रहा है और नतीजा है आरजी कर का ये घटना। ये इसके लिए सारा हम लोग सिर्फ नहीं है, सारा दुनिया इसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं और एज ए बंगाली वी आर अशेम्ड, सो वी आर इन द स्ट्रीट, वी वांट जस्टिस, वी डू नॉट वांट दैट आवर मनी द गवर्नमेंट मनी शुड बी स्पेंट टू डिफेंड the culprits as we are finding it now. It is really painful. जो बच्ची के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली जो इनको डिफेंड कर रहे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। दिस इज नॉट राइट टू डिफेंड दोज पीपल, इट्स वेरी रॉन्ग। आइदर गेट देयर डॉटर्स एंड मदर्स आउट ऑफ द हाउस, देन इट विल बी सॉल्व, दैट्स इट। हम बच्चे की कल्प्रिट के पकड़ने के लिए आए, उसे पकड़वाने के लिए आए, साथ ही साथ हम सभी जितनी फीमेल है इस इंडिया में उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं, जो हम प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सेफ जोन में रहें। आज हम हर मेल को हम एक शक की निगाह से देखने लगे हैं, हम अपने ही घर में दूसरों को शक की निगाह से देखने लगे हैं। तो हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जो हम फ्री माइंड होके जी सके। ये सबके लिए है, हर घर के लिए है। ये हम लोगों को सिर्फ यही चाहिए, जस्टिस चाहिए। जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, हम लोगों को जस्टिस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग लॉयर्स और लॉयर्स जो स्टूडेंट्स लोग हैं, लॉ स्टूडेंट्स सब लोगों के लेके आज उतरे हैं रास्ते पे कि हम लोगों को जस्टिस चाहिए। और ये स्टूडेंट्स लोग हम लोगों के लीगेसी कैरी कर रहे हैं ताकि वो लोग आगे चल के जान पाए कि कैसे जस्टिस लेना चाहिए हम लोगों को। हम लोग तिलोत्तमा के साथ हैं, हम लोगों को जस्टिस चाहिए। 16 दिन बीत भी चुके हैं और इस 16 दिन के दौरान और कम से कम और 5 रेप की घटनाएं भी घट चुकी है पूरे देश में। हमको पता है महाराष्ट्र बदलापुर में क्या हुआ है, हमको ये भी पता है कि असम में क्या हुआ है, हमको ये भी पता है कि मुजफ्फरनगर में क्या है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ, इसीलिए मैं कलकत्ते की जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे मैं अकाउंटेबिलिटी की मांग करूंगा। मैं कि मुझे जानना है कि आजीकर में क्यों हुआ ये, और ताकि आगे चल के ऐसा कुछ ना घटे। इसकी एक प्रॉमिस, इसकी एक अकाउंटेबिलिटी मुझे चाहिए। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आई ऑल्सो फील द जस्टिस एक इस घटना को, आरजीकर की घटना में एक या दो हो, तीन हो, जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हो, जितने भी लोग इसमें शामिल हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम सब चाहते हैं। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो थिंक दैट देयर नीड्स टू बी सिस्टमिक चेंज इन चेंजिंग द मेंटेलिटी दैट कॉजेज रेप एंड मर्डर। देखिए, जिनको राजनीति करनी है इसमें वो लोग तो करेंगे, वो मतलब विरोधी लोग भी करेंगे, ये उनके लिए एक मौका है, वो करेंगे। और प्रशासन अगर कहने लगे कि जितने भी लोग रास्ते पे उतर रहे हैं वो सारे लोग राजनीति के साथ जुड़े हुए, तो वो प्रशासन की भी गलती है। जो इनको राजनीति करना है, विरोधी लोग जो है वो करेंगे, लेकिन जो लोग हम देख रहे हैं घटना घटने के बाद से, जितने भी लोगों को हमने रास्ते पे आते हुए देखा है, खास करके 14 तारीख रात को, वो सब लोग राजनीति से जुड़े हुए नहीं है। वो लोग स्पॉन्टेनियस सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट है, फेमिनिस्ट का प्रोटेस्ट है, नॉर्मल पीपल का प्रोटेस्ट है। हाँ, तो कहीं पे भी राजनीति होगी इस बार ऐसी एक घटना को लेके, बदलापुर में भी जो है, महाराष्ट्र में वहां पे भी हो रही है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये एक हमारे देश की एक रियलिटी है। तो हम जब रास्ते पे आ रहे हैं, तब हम कोई भी पॉलिटिकल बैनर के अंडर में नहीं आ रहे, हम एज अ मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑफ दिस कंट्री एंड ऑफ दिस सिटी हम जस्टिस मांग रहे हैं। और जस्टिस सिर्फ आरजीकर की घटना का नहीं, बिल्कुल उसके लिए भी जस्टिस चाहिए, उसके लिए तो सर मतलब सबसे पहले जस्टिस चाहिए, उसके बाद ये पूरा साइकोलॉजी जो है, जो रेप की तरफ आदमी को धकेलता है, उसके लिए बहुत सारे सिस्टमिक चेंजेस चाहिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में।